हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। और आज देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से प्रश्न नए हैं और आज की इस सीरीज में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी। 1920 का सन दोस्तों याद होगा आपको, यहाँ पर दो बड़े काम हुए थे याद रखिए। पहली बात तो 1920 को क्या स्टार्ट हो रहा था, भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और एक दुखद समाचार भी यह है दोस्तों कि 1 अगस्त को जिस दिन यह आंदोलन शुरू होने वाला था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो दो सूचनाएं आपके लिए, कम से कम 1920 में आपको ये बातें याद होनी चाहिए। करा 1920 में लाहौर से, किस जगह से, लाहौर से लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है ट्रिब्यून की, दूसरा है वीर अर्जुन की, तीसरा है वंदे मातरम की और चौथा है पीपुल्स नाम के समाचार पत्र की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय जी ने किया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, एकदम रट लीजिए एकदम एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे दे रहा है, जैसे ट्रिब्यून दे रहा है, ठीक है, तो एक अंग्रेजी समाचार पत्र था और या आई थिंक जो है दिल्ली के आसपास से के क्षेत्रों में जो है चलता था, याद रखिएगा, द ट्रिब्यून, ये भी पुराने समय में है। और बाकी वीर अर्जुन ये अलग है। और यहाँ पर याद रखिएगा, वंदे मातरम की शुरुआत लाला लाजपत राय जी ने किया था। लाला लाजपत राय जी को एक प्रसिद्ध नाम से बुलाया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा, शेर ए पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कई सारे समाचार पत्र निकाले थे पंजाब के लिए। एक समाचार पत्र इनका और था पंजाबी नाम से, एक समाचार पत्र वंदे मातरम नाम से, तो ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षर किया था। मतलब सीधा फीधा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पुरंदर की संधि, जो कि बहुत प्रसिद्ध संधि है और हम लोग कई बार अपने जीएस के डोज में इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ। याद रखिए, पुरंदर की संधि शिवाजी ने किसके साथ किया था, जय सिंह के साथ किया था। और कब किया था, तो आपको यहाँ पर डेट याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, 1665 में किया था। याद रहेगा, 1665 में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी, मार्च 1665 में, आपको डिटेल में पढ़ाया गया हो। ठीक है, इसका नाम कहीं कहीं आपको राजा जय सिंह मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, राजा जय सिंह, हालांकि ये किसके अंडर में था, तो याद रखिए, औरंगजेब के अंडर में था हालांकि। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये वही संधि है पुरंदर की संधि जो कि बहुत फेमस थी, क्योंकि इसके इस संधि के बाद शिवाजी को अपने 23 किले, ठीक है, 23 फोर्ट जिस पर उन्होंने अपना कब्जा बनाया हुआ था, वो उनको मुगलों को देना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद केवल 12 किले ही इनके अधिकार में रह गए थे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हारने के बाद ये काम हुआ था। इतना ही नहीं, इस संधि के बाद शिवाजी के पुत्र जिनका नाम था संभाजी, ठीक है, संभाजी, याद रखिएगा, संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा इनको। ठीक है, और वहाँ पर याद रखिएगा, हालांकि संभाजी को वहाँ पर जाने के बाद 5 हजारी मनसबदारी के पद पर रखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा दोस्तों। कई लोग गलती से शाइस्ता खां भी टिक करते हैं, तो शाइस्ता खां भी दोस्तों औरंगजेब से ही संबंधित था, यह औरंगजेब का मामा था। ठीक है, और शिवाजी से लड़ाई यह पहले ही करने आया था, 1659 में आया था, जब शिवाजी ने क्या किया था, इसकी उंगलियां काट ली थी। तो याद रखिएगा, ये कई बार ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। बाकी जो दिलेर खां दे रहा दोस्तों, तो दिलेर खां भी औरंगजेब के समय से ही जो था, लेकिन बट इसका नाम यहां पर नहीं आता। ठीक है, जसवंत सिंह ये अलग हैं, यह मारवाड़ के राजा थे याद रखिएगा। हालांकि जसवंत सिंह ने कई सारी रचनाएं भी किया है, आप याद रखिएगा, जैसे आनंद विलास की रचना इन्होंने किया है। पूछता आपसे एग्जाम में कि आनंद विलास की रचना किसने किया है, या भाषा भूषण की रचना किसने किया है, तो आप देखिएगा वहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह या महाराजा जसवंत सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने रचना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। अब मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को लाहौरी याद है, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था या उस्ताद लाहौरी ने किया था, ये बड़ा कंडीशन वाली बात आ जाती है कि अब क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का नक्शा बनाया था। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण कब बनना शुरू हुआ था, तो 1632 में शुरू हुआ था और 1633
1953 में जाके समाप्त हुआ था, ताजमहल का काम जाके पूरा हुआ था। ठीक है, ये ताजमहल बना कहाँ पर है, तो आगरा में है। ठीक है, आगरा में है, याद रखिएगा। और ताजमहल को किसने बनाया था, तो शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कराया था, याद रहेगा आपको। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यही सबसे मेन है। बाकी यहाँ पर जो पहला नाम दे रहा है दोस्तों, उस अब्दुल हमीद लाहौरी, ये क्या कोई व्यक्ति था या फिर कौन थे, तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी दोस्तों, इनके ऊपर गाना भी बना हुआ है। ठीक है, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये 1665 में जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें इनको वीरगति मिली थी। ठीक है, शहीद हुए थे, और बाद में दोस्तों इनको परमवीर चक्र से नवाजा भी गया था। ठीक है, परमवीर चक्र भी दिया गया था। तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, याद रहेगा ना, उस्ताद अहमद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, दोनों बता दिए आपको। अब्दुल समद दोस्तों कौन था, तो अब्दुल समद एक पेंटर था, एक जो है क्या था, पेंटिंग का काम करता था, अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा अकबर के समय से है। बाकी सांवलदास तो मैं नहीं जानता कोई है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी, तो महात्मा गांधी जी कहाँ से बिलोंग करते थे, गुजरात से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो आत्मकथा है, और इनके आत्मकथा का नाम क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके आत्मकथा का नाम क्या है, जल्दी सोच समझ के बताइए इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। और इंग्लिश बोलते हैं द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट विथ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पूरा इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो है गुजराती भाषा में उन्होंने लिखा है। ठीक है, गुजराती भाषा में। अच्छा, महात्मा गांधी से संबंधित एक साप्ताहिक पत्रिका भी आती थी दोस्तों, उसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है आपको कि नवजीवन जो है यह पत्रिका किसने लॉन्च किया था, तो नवजीवन जो पत्रिका थी ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ओके, कोई दिक्कत। एक और था दोस्तों, यंग इंडिया का नाम सुना होगा, यंग इंडिया। ठीक है, वो भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। आगे चल के बहुत सारे निकाले जाते हैं, हरिजन वगैरह, कई सारे पत्र पत्रिकाएं आते हैं, तो वो सब याद रखिए। आगे कह रहा है कि भारत में संसदात्मक प्रणाली के कार्यान्वयन में आधारभूत समस्या क्या है, या क्या नहीं है, आपसे कारण पूछ रहा है कि आधारभूत समस्या का कारण क्या है। ठीक है, कारण है, जो कारण है आपको उसको बताना। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है भारत में संसदात्मक प्रणाली, जो भारत में संसद वाली प्रणाली है, इसके कार्यान्वयन जब ये कार्य करती है तो उसमें जो है आधारभूत समस्या का कारण क्या है, बताना है। पहला कह रहा है कि ससंजक एवं सक्षम व्यवस्था की कमी। ठीक है, आप समझिएगा, ससंजक एवं सक्षम व्यवस्था की करी कमी। दूसरा है कि अब ये तो है नहीं यार, कि वहाँ पे तो पूरी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा दे रहा है कर्मठ एवं निष्पक्ष नौकरशाही का अभाव। तीसरा दे रहा अस्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की कमी। चौथा दे रहा व्यवस्थापिका पर अपनी निर्भरता के कारण कमजोर राजनीतिक कार्यपालिका। तो दोस्तों यहाँ पे पहला और चौथा तो एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो भारत में है। बात आती है दूसरे और तीसरे पे, तो दूसरा पढ़िए, क्वेश्चन ही बदल गया, एक मिनट, दूसरा पढ़िए। कर कर्मठ एवं निष्पक्ष नौकरशाही का अभाव। अगर सही मायने में देखा जाए दोस्तों, तो हमारे देश में आज भी कर्मठ नेताओं की कमी है, निष्पक्ष नौकरशाही का अभाव है। जो निष्पक्ष मतलब किसी भी पक्ष में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी पक्ष में, किसी जाति में न फंस कर उलझ कर कि वो निष्पक्ष बातें करते हैं, ऐसे लोगों की आज भी कमी है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ ऑप्शन नंबर दो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे संसद में अगर किसी चीज़ की कमी है तो इसी चीज़ की कमी है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये कमी आगे तब तक विद्यमान रहेगी जब तक पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम आप पढ़ते हैं ना, हम आप पढ़ने लिखने के बाद हमेशा सोचते हैं कि हमारी सिर्फ एक नौकरी लग जाए। कभी हम नहीं समझते कि यार हमारी पढ़ाई हमारे देश के काम भी आने चाहिए, हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां अपने देश को एक आधार दे सके, उसके लिए कुछ बेहतर कर सके, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वो कर सके। एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के मन में ना हमेशा रहता है कि नहीं हम दो पैसे जाके कमाएं। और आजकल के तो जो बच्चे हैं उनके मन में केवल दो ही विचारधारा होती, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, दो विचारधारा होती है। पहली विचारधारा, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और उसके पीछे भी जो वजह होती है वो क्या होती है कि सरकारी नौकरी मतलब आराम की नौकरी है, सरकारी नौकरी मतलब आराम की नौकरी, यहाँ पैसे की टेंशन नहीं है, एकदम आराम से। ठीक, यानी काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहले ही सोच लेते हैं कि सरकारी नौकरी अगर मिल जाएगी तो हमको काम नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए शायद वो प्राइवेट सेक्टर में जाना उचित नहीं समझते। और दूसरी सबसे वजह है दोस्तों कि यहाँ पर एक नंबर के साथ साथ दो नंबर के पैसे का भी
खूब सोर्स मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा वजह जहाँ तक मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग तैयारी जो करते हैं वो तो खुद ही आगे चल के वो खुद ही करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार नेता उतने करप्ट क्या होंगे, नेता तो अनपढ़ गवा रहे हैं, अगर वो करप्ट होते हैं तो ठीक है, पढ़े लिखे लोग जब करप्ट हो जाते हैं तो यार बड़ी ग्लानी होती है। जैसे आप लोग इतने अभाव को देखते हुए जो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके अब अगर आप सिलेक्शन ले लो, सिलेक्शन लेने के बाद अगर आप करप्शन में जुट जाओ, ठीक है, घूस लेना शुरू कर दो, तो फिर क्या मायने रह गया, कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का, ठीक है। तो कम से कम ये काम आप सभी मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन उस निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जो बना होता है। आपको ये बताना दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो उसके निर्वाचन में हिस्सा कौन लेता है, अगर सीधे सीधे पूछूं तो यही प्रश्न पूछना चाह रहा है कि उसके निर्वाचन में हिस्सा कौन लेता है। करा संसद के सभी सदस्य, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में वो भी सदस्य आ जाते हैं जिनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, ठीक है, तो वो वाले सदस्य यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा करा निर्वाचित सदस्य, कुछ हद तक तो ये सही उत्तर है। तीसरा दे रहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के सदस्य, विधानसभा तक तो बात ठीक है लेकिन विधान परिषद तो हर राज्य में है नहीं, और जब हर राज्य में है नहीं तो आप यहां पे ले कैसे सकते हो, आप बताओ ना, अगर हर राज्य में विधान परिषद नहीं है तो आप यहां पे कैसे ले सकते हो, क्योंकि आधा राज्य वोटिंग करेंगे आधा नहीं करेंगे, तो ये प्रश्न तो एकदम नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही दे रहा है कि निर्वाचित संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये दो लोग आकर के हिस्सा लेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों, हमारे अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है, तो अनुच्छेद 54 याद रखेगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान बताया गया है, और उसमें कहा गया है कि संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, दोनों में निर्वाचित, ठीक है, उनको शामिल किया जाएगा यहां पर, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पुदुचेरी में भी विधानसभा बन चुकी है, दिल्ली में भी बन चुका है, तो उनके सदस्यों को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित उत्पादों में से किस एक के औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण वाली गैस नहीं उत्सर्जित होती है। करा इसमें से क्या आप बनाओगे, ठीक है, क्या आप बनाओगे कि जिसको बनाने में ओजोन क्षरण यानी जिससे हमारा ओजोन परत क्षरण होता है वो गैस नहीं निकलती, मतलब CFC वगैरह नहीं निकलेगी, ठीक है, ये सब नहीं निकलती है। करा बॉडी स्प्रे, तो आपको बता दूं दोस्तों, जो बॉडी स्प्रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में इस तरह की गैसें निकलती हैं जो किसको क्षरण करती हैं, ओजोन गैस को क्षरण करती हैं, ठीक है, ओजोन परत को क्षरण कर देती हैं। उसका फोम वाले जो गद्दे होते हैं ये भी हैं, आधुनिक रेफ्रिजरेटर इससे तो CFC निकलती है, परफ्यूम दोस्तों नहीं, यहाँ पे याद रखेगा परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम हमारे यहाँ कहाँ बनता हो याद है आपको, उत्तर प्रदेश में परफ्यूम कहाँ बनता है याद रखिए, कन्नौज, कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है, क्यों इत्र की नगरी भी कहा जाता है कन्नौज को, याद रखेगा। परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम को बनाने में किसी भी ऐसी तरह का गैस नहीं बनता है, ठीक है। और ओजोन, ओजोन परत में, ओजोन का मतलब क्या है दोस्तों, O3 से है, याद रखिएगा, ठीक है, और ओजोन परत जो है हमारे तरफ सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो पराबैंगनी किरणें होते हैं उनको रोकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रहा है, निकारा निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है, आपको मिलान करना है। करा BCG का टीका, DPT का टीका, ATS का टीका और साल्क वैक्सीन, करा इन सब चीज़ों को जो है किस में दिया जाता है, तो साल्क वैक्सीन जो दोस्तों ये तो पोलियो में है, आप सभी को पता होगा, दो बूंद जिंदगी की, ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे आसान है वो है DPT, ठीक है। DPT में क्या आता है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था DPT में आता है, डी माने होता है डिप्थीरिया, ठीक है, पी माने क्या होता है प्यूटिसिस, ठीक है, और टी माने होता है टिटनस, ठीक है, तो ये तीन होते हैं, तो यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाएगा DPT में, ये दो एकदम आसान हो गए। अब BCG का टीका कहाँ लगता है, आप सभी को पता होगा BCG का, ये जब किसी को छोटी माता जी निकल जाती है ना, माता जी का नाम सुनाओगे, चिकन पॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके समय में BCG का टीका लगाते हैं। फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन, ठीक है, और ATS बच गया दोस्तों, तो ATS एक सुई लगती है, जब कभी आप लोहे से चोट वगैरह लग जाता है तो टिटनस की सुई लगवाने जाते हैं, तो आप पढ़ा करो वहाँ पे ATS का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे याद रखेगा ATS, तो यहाँ पे मिक्स कर दिया, आप खुद देख लीजिएगा कूट कौन सा सही होता है। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले डायरेक्ट जो है गैस में तब्दील हो जाता है, मतलब अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे पानी उठा लो, पानी अगर बर्फ बन गया है उसको गर्म करेंगे तो पहले वो द्रव बनेगा, ठीक है, और द्रव के बाद तब जा कर के भाप बनेगा यानी गैस बनेगा। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि नहीं, बिना द्रव के डायरेक्ट गैस बन जाए, ठीक है, और इस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, संघनन, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा दोस्तों, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है।
ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, याद रखिएगा, सब्लिमेशन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन को, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन एक तरह की भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखे कपूर, आप कपूर को देखो, कपूर को जलाओ, कपूर को जलाएंगे तो डायरेक्ट वो ठोस से क्या हो जाता है, सीधे वो गैस में तब्दील हो जाता है। दोस्तों बात आती संघनन क्या होता है, ठीक है, याद रखिए गैस से जब द्रव बनता है, याद रखिए संघनन किसको बोलते हैं, जब गैस से क्या बनता है, द्रव बनता है। जैसे जब वर्षा होता है ना, तो बादल क्या होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, और फिर द्रव क्या होती है, वर्षा की बूंदें, तो ये संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो वर्षा भी एक प्रकार का क्या है, संघनन है। और वाष्पन जो दे रहा दोस्तों, तो वाष्पन में क्या होता है कि द्रव से गैस बनता है, वाष्पन, ठीक है। अब जैसे आप पानी को अगर खौला देंगे, गर्म करने लगेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पन होने लगेगा। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो याद रखिए पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो कहलाती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो ये पौधों के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। करा है जार्विक सेवन क्या है, नाम सुना है कभी जार्विक सेवन का, जार्विक सेवन क्या है, करा इलेक्ट्रॉनिक पैर है, पेसमेकर है, कृत्रिम हृदय है, या कृत्रिम आँख है। तो याद रखिए दोस्तों, जो जार्विक सेवन है एक तरह का क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, हर्ट होता है, आर्टिफिशियल हर्ट होता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि आर्टिफिशियल हर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर सब कुछ बना चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर फिलहाल के लिए हो जाएगा तीन नंबर वाला। अगला कह रहा है विटामिन जो घाव के भरने में सहायक होता है, मान लीजिए कभी आपको चोट लग गया है, तो कौन सा विटामिन होता है जो आपके घाव को भर सकता है, बी सी ए या डी। तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन सी जो होता है यह आपके घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। जब चोट लगता है तो भी आप सी सी करते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा सी। अच्छा विटामिन की खोज दोस्तों किसने किया था, तो फंक ने किया था, किसने किया था, 1911 में फंक ने विटामिन की खोज किया था। और विटामिन क्या होता है, एक तरह का अकार्बनिक यौगिक होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ एक बात है कि इससे किसी तरह की कैलोरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये बहुत चीज़ों में हमारे लिए सहायक होता है, ठीक है। इसको जितने भी विटामिन होते हैं मैक्स सभी को क्या बोला जाता है, इनको रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि शरीर की रक्षा ये कई रोगों से करते हैं, ठीक है, हमारी हेल्प करते हैं, तो रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन सी जो इसका उत्तर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा भाई विटामिन सी में ऐसा होता क्या है जो घाव को भर देता है, मतलब कुछ तो होता होगा हटके, तो याद रखिए इसमें एक बेहतरीन हीलिंग पावर होता है जो त्वचा के घाव को भरने में मददगार साबित होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कभी आपसे पूछ दे कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की स्थिति में हमारी बीमारियों से बचाव करता है, तो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन सी मिलते कहाँ से हैं, तो जो खट्टे पदार्थ हैं दोस्तों उनसे मिलते हैं, सपोज करो नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, हालांकि अंकुरित अनाज में विटामिन ई होता है, बट याद रखिए, ठीक है, इन सब से मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर अशोक का एक समकालीन राजा था जिसका नाम था तुर्मय, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसका नाम था तुर्मय, आपसे पूछ रहा है तुर्मय जो है कहाँ का शासक था, ध्यान समझिएगा, अशोक, अशोक का, अशोक जो है ये मौर्य वंशीय राजा है, ठीक है। और अशोक किसका लड़का था, याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का था अशोक, ठीक है। तो याद रखिएगा अशोक के बारे में आपसे यहाँ पूछ रहा है, जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 BC में, याद रखिएगा, ठीक है। करा इसके समकालीन जो तुर्मय राजा था कहाँ का था, तो याद रखिए दोस्तों ये मिस्र का राजा था तुर्मय, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अशोक का दोस्तों एक नाम बड़ा फेमस है, आपसे पूछता है देवनामपिय, देवनामपिय किसका नाम है, तो याद रखिए ये अशोक का नाम है, ठीक है, याद रखेगा। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था, BC याद रखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, करण निम्न में से कौन सा मंदिर शैलकृत, शैलकृत वास्तुकला का विस्मय माना जाता है, मतलब उसका आश्चर्य माना जाता है, ये पुराना क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है कैलाश मंदिर एलोरा। मैंने आपको बताया था दोस्तों एलोरा, एलोरा का जो मंदिर है एलोरा, रा से हो जाता है राष्ट्रकूट, इसको राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा, इसी के पास में एलोरा। तो एलोरा में जो दोस्तों एक मंदिर है कैलाश मंदिर, वो इसलिए इतना अपने आप में अनोखा है, इसलिए अपना विस्मय माना जाता है, आश्चर्यजनक माना जाता है, क्योंकि संसार में इस तरह की आज तक कोई चीज़ नहीं बनी है, ठीक है। क्यों ऐसा क्या है, तो याद रखिएगा
यह मंदिर जो है पूरा का पूरा एक मंदिर सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया, पूरा एक ही चट्टान से पूरी मंदिर बन गई है। सोचिए एक पत्थर से पूरी मंदिर बन जाना ये अपने आप में कितना बड़ी बात है, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने इसका निर्माण कराया था, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रकूट नरेश था कृष्ण प्रथम, क्या नाम था, कृष्ण प्रथम जिसने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। बाकी जो दे रहा कंदरिया महादेव, तो खजुराहो में पड़ता है मध्य प्रदेश में, चंदेल वंशी शासकों ने इसको बनवाया था, यशोवर्मा राजा था जिसने इसको बनाया था। और कंदरिया महादेव को याद रखिएगा दोस्तों चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रतिमा यहां पर चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और बाकी दे रहा है लिंगराज मंदिर, तो आपके उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, और यह लिंगराज मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। और पुरी में उड़ीसा में दोस्तों एक और मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, ठीक है, वो भी बहुत फेमस है जगन्नाथ जी का मंदिर, वो उसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके संस्थापन काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए समय बता दीजिए फटाफट, कौन किस समय बना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्य समाज, चलो आर्य समाज ही उठा लो। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी भाई, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो जो है 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज की स्थापना। हाँ ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी ये 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था, मतलब दो पहले है एक जो है वो बाद में है, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, पहले नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। करा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो 1867 याद रखेगा दोस्तों यम जी रनाडे महादेव गोविंद रनाडे, उनके साथ कई लोग थे, ठीक है, उनके साथ आपके केशव चंद सेन भी थे, उनके साथ आपके आत्माराम पांडुरंग भी थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, तो सबका नाम याद रखेगा। हालांकि एमजी रानाडे ज्यादा फेमस है, महादेव गोविंद रानाडे ये राजनीति गुरु कहे जाते हैं, किसके किसके उनके यार गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है, याद रखेगा। तो 1867 तो याद रखिए, इसके बीच में आ जाएगा तीन वाला। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1897 में हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है, और उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, उन्हीं के नाम पर ये किया था। तो ये वाला लास्ट में आ जाएगा, यानी 2, 3, 1, 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा लोकसभा में अध्यक्ष कौन चुनता है, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष कौन चुनता है, करा प्रधानमंत्री चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, लोकसभा चुनता है, या संसदीय मामलों के मंत्री चुनते हैं। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर लोकसभा द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, वो खुद चुनता है, याद रखिएगा वो चुनता है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 53 है जो इसके बारे में व्यवस्था करता है और तमाम चीज़ों को बताता है कि लोकसभा अपनी पहले बैठक को कैसे बुला करेगा, वहाँ पर स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं यानी उपाध्यक्ष जो होता है उसका क्या कैसे चुनाव होगा, ये सब में बोलता है। और बाकी एक बात और याद रखिएगा कि इनका चुनाव कितने समय के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी चल रहा था जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा महाजन, अब देखिए 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का उत्तरदायित्व जो है इसको किसको दिया जाता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, करा निम्न राज्यों में से किस एक में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों 7 थे टोटल, ठीक है, ताज कुंभ याद रखिएगा, ताज कुंभ, और एक इसी में दोस्तों उड़ीसा भी आ गया, तो ठीक है ताज कुंभो कर लीजिए, ठीक है ताज कुंभो कर लीजिए। और यहाँ आपको बताना है कि ये 8 हो गए अब टोटल, तो 8 राज्यों में जो है विधान परिषद है, बाकी में नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 8 में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए TFR हो जाता है दोस्तों तेलंगाना, TFR तमिलनाडु मत करिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, तेलंगाना उत्तर है, AFR आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और दोनों जगह पर है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिए JFR हो जाता है जम्मू कश्मीर, KFR हो जाता है कर्नाटक, UFR उत्तर प्रदेश, MFR महाराष्ट्र, BFR बिहार, ठीक है, और OFR अब उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राजस्थान दोस्तों कहीं पर नहीं दिया है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही है ये बताना है, काफ़ी अच्छा दे दिया, एस्किमो तो उनको बोलते हैं ना जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पे रहते हैं लोग, ठीक है, तो याद रखें एस्किमो ये ज़्यादातर जितने भी देश उठा लो सबका एकदम उत्तरी ध्रुव की तरफ चले जाओ, ग्रीनलैंड की तरफ चले जाओ, वहाँ पे एस्किमो होते हैं, ये मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं, और इग्लू जो होता है ना घर बना कर रहते हैं बर्फ़ का घर बना के यही रहते हैं। और यहाँ पे उत्तर दे रहा अमेजन बेसिन, अमेजन नदी तो आपकी दक्षिण अमेरिका में बहती है, ये तो उत्तर होगा नहीं, ये तो सही सुमेलित है नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। दूसरा दे रहा है पिग्मी रहते हैं ये आपके अफ्रीका में, ठीक है, याद रखेगा। कांगो बेसिन है दोस्तों, उसके आसपास की जो जगह है जैसे बेल्जियम है, कांगो है, युआंडा है,
ठीक है, वहाँ पे पिग्मी जनजाति निवास करती, इरावदी में नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा दे रहा है बुशमैन कालाहारी, तो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों, और उसमें निवास करने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका सही उत्तर है। बद्दू दे रहा है दोस्तों, बद्दू याद रखिए अरब के उत्तरी भागों में जो मरुस्थली क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, तो सहारा नहीं होगा दोस्तों, अरब होगा, हालांकि सहारा भी मरुस्थल है लेकिन बद्दू अरब वाले मरुस्थल में रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करा तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है, तुजू, ठीक है, तो सिक्किम में, अरुणाचल में, असम में या हिमाचल में, तो याद रखिए तुजू दर्रा जो दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के तीन चार दर्रे हैं दोस्तों, आप याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, जैसे एक दर्रा है बोमडीला, आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, कि बोमडीला दर्रा कहाँ पर है, एक दर्रा दोस्तों यांगायाम, क्या नाम है, यांग्याम, ठीक है, यांग्याम दर्रा, और तीसरा है दीफू दर्रा, ये तो 100 बार एग्जाम में पूछ चुका है, दीफू और तुजू, याद रखिए ये चार दर्रे हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। सिक्किम में तो आपको खाली दो दर्रे याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो नाथुला है जो एग्जाम में खूब पूछता है, और दूसरा है जेलेप्ला, कौन सा, जेलेप्ला, याद रखिए जेलेप्ला, ये दो दर्रे हैं। असम की बात करेंगे दोस्तों, तो असम में भी कई सारे दर्रे हैं फिलहाल, और हिमाचल में दर्रे तो देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है, सबका नहीं, जो एग्ज़ाम में आ गया उसको मैं बता देता चल रहा हूँ आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है, ओहो घातक पूछ रहा है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। करा सूक्ष्म तरंगे जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, या पराबैंगनी कीड़े नुकसान पहुंचाती हैं, पराबैंगनी, देखिए नुकसान तो सभी पहुंचाती हैं, पराबैंगनी कीड़े भी भाई, इनकी वजह से तो इंसान को कैंसर तक हो जाता है अल्ट्रावायलेट रे, और जो अवरक्त कीड़े होती हैं इंफ्रारेड, ठीक है, ये भी प्रभावित करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रभावित करती हैं वो कौन सा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो गामा कीड़े, याद रखिए गामा कीड़े बहुत खतरनाक है, ठीक है, याद रखें, यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको, तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। हालांकि जितने भी तरंगे हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, वाई रेज हो गया, वाई मतलब गामा रेज हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया, जो विजिबल रेडिएशन होते हैं दृश्य विकिरण, या इंफ्रारेड हो गए, या जो रेडियो तरंगे हो जाते हैं, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ये सभी की सभी विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगे कही जाती हैं, इनको याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे कही जाती हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा जीवन का भौतिक आधार है, क्या है जीवन का भौतिक आधार, क्या है, कह रहा साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, या प्रोटोप्लाज्म है, तो याद रखें दोस्तों प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, प्रोटोप्लाज्म को, अरे प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में नहीं जानते क्या, जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म को क्या माना जाता है, जीव द्रव्य, और जो कोशिकाएँ होती हैं उनके अंदर में पूरा जीव द्रव्य ही तो भरा होता है, और इसी से तो जीवन है, क्यों, इसी से जीवन है, याद रखिए प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ होता है वो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, और जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं ये जीव द्रव्य के माध्यम से ही संपन्न होती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए इसको फिजिकल वेसिक ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दोस्तों, विटामिन सी जो है ये रोग प्रतिरोग से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है, घाव भरने में सहायक होता है, खट्टे में होता है, तो नींबू भी खट्टा है, संतरा भी खट्टा है, भाई ऐसे में राइट आंसर किसको टिक किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई, दोनों हैं, तो समृद्ध स्रोत अगर हम मानेंगे दोस्तों यहाँ पर, क्या तो दोनों को मानिए, भाग क्यों रहे, दोनों को मानिए, क्यों, एक और तीन दोनों हो जाएगा, दोनों समृद्ध स्रोत हैं, ठीक है, तो ऐसे में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिए अमरूद भी दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, अमरूद में भी विटामिन सी होता है, ऐसा नहीं कि अमरूद मीठा है तो विटामिन सी नहीं रहेगा, याद रखिए अमरूद में भी होता है, अमरूद टमाटर मिर्च इन तीनों में होता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है उसके बारे में बता दीजिए। करा पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, हाँ करते तो हैं, अच्छा पूछ रहा कौन सही नहीं है, ठीक है, तो याद रखिए जो पौधे होते हैं ना वो स्टार्च के रूप में अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं, बाद में बचा खुचा खाते हैं, ठीक है। कह रहा आलू का खाद्य योग भाग स्तंभ कंद माना जाता है, बिल्कुल सही है, तना होता है, तना को ही स्तंभ कंद बोलते हैं, ठीक है। आगे दे रहा गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है, भाई तभी तो मीठा होता है। और डी वाला दे रहा कि सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से करते हैं, तो याद रखें कभी सीधे इनको वायुमंडल से नहीं मिलता है, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो इनको जो है वायुमंडल देते हैं, ठीक है, याद वायुमंडल से नाइट्रोजन देते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा,
और यही आपका सही उत्तर है। करा निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? एक मिनट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, थोड़ा सा टिपिकल दे दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। करा खिलाफत आंदोलन, ये तो टर्की वाले जो वो थे हटाने के लिए, उनके लिए किया गया था भारत में, ठीक है। दूसरा है मोपला विद्रोह केरल में 1921 में, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। बहाबी आंदोलन, ये आपका कहाँ पे था? बहाबी आंदोलन ये वली उल्ला आंदोलन था, ठीक है, और वही क्या नाम था इनका, सैयद अहमद बरेलवी भी ने शुरू किया था बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में, ये हो गया। और अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ का तो दूर दूर का संबंध नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों जो यहाँ पे होना चाहिए स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, ठीक है, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, एक बार आप इसको देखिएगा, ठीक है। हालांकि जो धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध था वो बहाबी आंदोलन था, जो मुझे आ रहा है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन में तो खुद महात्मा गांधी जी पहुंच गए, तो वो तो नहीं होगा। मोपला विद्रोह ये विद्रोह था, ये मुस्लिम युद्ध इसको बोलेंगे नहीं, अलीगढ़ आंदोलन भी नहीं, यही होगा, बहाबी आंदोलन ही होगा, ठीक है, एक बार वैसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था, कब आया था? दोस्तों ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये कब आया था? तो कह रहा है 2002 में, 1999 में, 2007 में, 1997 में। पहली बात तो आप इसको याद रखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आया था दोस्तों 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था और उन्हीं ने इस चीज़ को लागू किया था, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को लागू किया था 1999 में, याद रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है, क्योंकि जब ये योजना आई थी ना, तो इसके पहले 6 अन्य योजनाएँ चल रही थी, उन योजनाओं का यहाँ पर ला के विलय कर दिया गया था, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ग्राम विकास योजना, ठीक है, वो चल रहा था, उसके पहले रोजगार योजना चल रहा था, ग्रामीण युवाओं के लिए ट्रेनिंग देने का काम चल रहा था, और महिला बाल विकास के लिए तमाम थे, मतलब ऐसे ऐसे थे, कई सारे थे, कुल मिलाकर के 5-6 योजनाएं, 6 योजनाएं थी, 6 योजनाओं को मिला करके यहाँ पे जो है मिक्स कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पूछता है, जैसे स्वर्ण जयंती यहाँ पे स्वरोजगार दे रहा है ना, एक देता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, याद रखिए स्वर्ण जयंती उसके भी आगे लगा हुआ है, लेकिन शहरी रोजगार योजना, ठीक है, तो ये कब आया था? तो ये 1997 में आया था, शुरू में आया गया था उससे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आगे देखिए, करा निम्न तत्वों में से किसके अपरूप नहीं होते हैं? किसके अपरूप नहीं होते भाई? करा कार्बन, कार्बन के तो बहुत सारे अपरूप होते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं कार्बन के अपरूप, ठीक है, अरे कार्बन का अपरूप ही तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का भी अपरूप होता है, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, नाम सुना ना, लाल फास्फोरस जो माचिस के आगे लगा होता है, तिल्ली जब जलाते हो, ठीक है, वो हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अपरूप तो फिलहाल नहीं सुना, चलिए आगे देख लेते। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपरूप होता है दोस्तों, अरे ओजोन क्या है? O3, O2 क्या ऑक्सीजन को बोलते हो, ठीक है, डाई ऑक्सीजन को बोलते हो, O3 उसी तरह से आप ओजोन को बोल देते हो, तो है नहीं अलग अलग, तो अलग अलग बनता है, तो याद रहे इसका अप्रूव भी नाइट्रोजन का कोई अप्रूव मेरे हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। हालांकि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, बट इसका कोई अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोस्तों किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो आप उसको पूरा देखिए। देखिए आपके लिए विनम्र निवेदन यह है कि प्लीज़ आप अगर ये हो सकता है आपसे तो आप ये जरूर किया करिए, जो भी एडवर्टीजमेंट आए उसको देखिए, प्लस वीडियो को शेयर करिए। पता आज आजकल बहुत सारे लोग जो है कटने लगे हैं हमसे, ठीक है, पता नहीं हमारी क्या गलती, मुझे नहीं पता, बट आप याद रखिए कि शिक्षा के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है, ठीक है, और अगर धैर्य रखेंगे, एक लगातार रुक करके आप पढ़ाई करते रहेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको पूरी अच्छी तरीके से शिक्षा मिल पाएगी, ठीक है। इतने जल्दीबाजी में अगर आप सोचेंगे कि नहीं तुरंत जो है 2 महीने 4 महीने में सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं, मेहनत आपको करना है, रास्ता मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों इतना काम जरूर से क्या करिए, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करिए, आपसे निवेदन है, ठीक है, थोड़ा सा मिनट डाउन जा रहा है, प्लीज़ अगर कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को प्ले ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपसे निवेदन है, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन का ये सीरीज ये समाप्त होता है। जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं, तो आप चैनल पर जुड़ करके काम कर सकते हैं, ठीक है, एक एक विषय को तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुल 3 फॉर्मेट में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है,
एक तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं डेली 10 क्वेश्चन केवल, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन वो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा होता है जीएस का टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन पर बात करते हैं, और इसी तरह से जैसा आज हम लोगों ने बात किया, एक तरह की जीएस टेस्ट सीरीज है, और इसी तरह की दोस्तों एक साइंस की टेस्ट सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये 3 विषय को लेकर चलते हैं, 10 क्वेश्चन सभी से होते हैं। ये सीरीज भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ज्वाइन करिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।